हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो 5:30 बजे मैं उठी हूँ, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, तो पहले तो कुछ भी ऐसा मेरा मॉर्निंग वर्क में नहीं आता, बस मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। 5:30 बजे उठना होता है मेरा, और फिर कैसे रूटीन चलता है। तो जो किचन में वैसे झाड़ू मार लिया था मैंने, क्योंकि और जगह झाड़ू नहीं मारा था मैंने। तो अभी सबसे पहले मैंने कहा चलो, दाल रात को ही पीस के रख ली थी, तो इसके मैंने चलो अभी चाय के संग इन्हें पकौड़ियाँ थोड़ा सेक दूँगी, क्योंकि ये जल्दी जाते हैं और फिर खाना वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा रहे। तो बस आज खाली मैंने इनके लिए ये पकौड़ी और चाय इन्हें दे दूँगी, क्योंकि मैं तो अभी खाऊँगी नहीं, मैं नहा के ही खाती हूँ। तो जब तक ये नहा रहे हैं और फिर पूजा वगैरह करेंगे थोड़ा सा, तो जब तक मैं अपने लिए और इनके चाय, मॉर्निंग टी जो हम लोग पीते हैं, और तो मॉर्निंग टी तो खैर मेरी तो मॉर्निंग टी ही होती है और इनकी भी, तो इनको मैं दे दूँगी फटाफट से कुछ थोड़ा सा नाश्ता वगैरह, क्योंकि आज कुछ भी था नहीं। तो मैंने चलो थोड़ी सी पकौड़ियाँ सेक लूँगी, फिर हम लोग जब खाएंगे, जब मैं हम अपने लोगों के लिए सेक लेंगे, तो फटाफट से मैं तो अच्छे से फेंक लेती हूँ, क्योंकि जितना अच्छा फिटती है ना उतनी अच्छी ये पकौड़ी बनती है दाल की। तो उड़द की दाल, चने की दाल और ये मूंग की दाल, ये तीनों चीज़ का मिक्सर था, तो मैंने पीस के रख ली, पहले ही रख लिया था। नमक मिर्च मैं मिला लूँगी और फटाफट से जो मॉर्निंग रूटीन मेरा ऐसा होता है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, फटाफट से मैंने चलो इनको थोड़ा सा दे देती हूँ। तो चाय खा ली, चाय पी तो अच्छा है, कुछ खा लेंगे तो वो भी सही है। तो फटाफट से बना लेती हूँ पकौड़ियाँ। तो इधर मेरी टी मॉर्निंग टी भी बन गई है, तो फटाफट दूध वगैरह मैं डाल लेती हूँ। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग होता है तो लोग नहीं देखते। और मॉर्निंग का रूटीन जो मेरा होता है वो यही रूटीन मेरा होता है, डेली का ही यही होता है, कि सोचते हैं कि जितना जल्दी हो जाए, और जितना जल्दी उठ जाऊँ मैं काम भी कर लेती हूँ फटाफट। चलिए मैंने अपनी चाय ले ली और इनको दे दूँगी, तो ये भारी हॉल में बैठे होंगे। चलो तो यहाँ चाय वगैरह हमने पी ली है, और इसके बाद मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि थोड़ा फ्रिज काफ़ी गंदा सा हो रहा था, तो मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं, सारा सामान निकाल निकाल के उसे साफ अच्छे से कर दिया है, और जितना होगा मैं क्लीन करूँगी। ये नहीं होता कि मेरे पास कभी, मैं घर की क्लीनिंग ऐसे ही कर लेती हूँ मॉर्निंग में, जितना मुझे जो काम होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम है मेरे पास और अभी बच्चे सो रहे हैं, तो फटाफट से काम समेट लेती हूँ। मॉर्निंग का रूटीन मैं अपना ऐसे ही रखती हूँ, बाई चांस है जब मेरी तबीयत थोड़ी वैसी हो तो नहीं कर पाती। क्लीन करने के बाद मैं करूँगी सबसे पहले बेडशीट साइज चेंज, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं अंदर। तो सबसे पहले मैंने बाहर की बेडशीट तो मैंने क्या सबसे पहले झाड़ लेती हूँ बाहर वाली, और उसके बाद जो ये सोफे सेट वाले कवर हैं गद्दीज के, वो भी हटा लूँगी, और यहाँ पर अच्छे से मैं झाड़ने के बाद बिछाऊँगी दूसरी वाली बेडशीट। और मैं चलो मशीन भी मैंने लगा रखी है, तो कपड़े सारे धो लूँगी, वॉशिंग मशीन में ही लगा लूँगी। इधर बिछा लेती हूँ बेडशीट, बेडशीट भी मैं बिछा लेती हूँ, और अब इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह क्लीन कर लूँगी, और टेबल के नीचे बच्चों ने जो हाल करा है उसको भी सही कर दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जितना घर थोड़ा समेटने में आता है जितने जल्दी समेट लो, रात को मैंने समेटा भी नहीं था, थोड़ा बहुत समेट भी लेती हूँ कई बार, और कई बार नहीं समेटती। तो बाहर प्लीज पीछे की वॉइस को बिल्कुल बैकग्राउंड जो मेरी वॉइस आ रही है घर में बच्चों की, तो मैं अभी आ रही हूँ अपने घर पर मम्मी के घर, तो इसलिए थोड़ी बैकग्राउंड में तुम्हें वॉइस ज़्यादा मिलेगी। कोशिश तो ये रहती कि बैकग्राउंड वॉइस बिल्कुल भी ना आए। तो अब मैंने पूरी कर लिए बेडशीट वगैरह, मैंने पूरी बिछा ली हैं, और जो उसका कवर था वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया है, तो फटाफट से यहाँ कर लेती हूँ क्लीनिंग। और तो कपड़े का जो मेरा वॉशिंग मशीन का पानी था मैंने वही डाल दिया, थोड़ा सर्फ सा भी मिला हुआ, तो थोड़ा एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा, तो एक दो मेरी क्लिप डिलीट हो गई हैं, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी थी वो फुल भर गई है, तो उस चक्कर में कुछ वीडियोज तो मेरी डिलीट अपने आप हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा हो रहा है। तो मैंने चलो जितना मेरे पास है मॉर्निंग रूटीन में उतना दे देती हूँ। तो इसके बाद मैं नहाने धोने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद, सबसे पहले मैंने कहा चलो सब्जी रख देते हैं बनने, और सब्जी दोनों बना रही हूँ, एक तरफ बना रही, क्योंकि सुबह को जल्दी जाना होता है तो उनके लिए भी, मैंने चलो जल्दी बन जाएगी। तो कद्दू भी काट लिया है, आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी और कद्दू, तो एक तरफ मैंने आलू टमाटर के लिए सब्जी बनने के रख दी है, और एक तरफ रख दिया है कद्दू बनने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ये खाना वाना थोड़ा मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ। तो इधर देखिए मैंने कद्दू बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था कद्दू। तो इधर आलू की सब्जी मेरी बन के तैयार है, तो बच्चे भी मेरे इधर ही खेल रहे हैं। तो आज का बताना आपको मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा। तो बोल रही हूँ जो मैं वीडियोस मेरे डिलीट हो गए इसमें से, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा ही रूटीन दिखाने वाली थी, अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई आज का ये, मैं कितना काम करती हूँ क्या नहीं करती। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग छोटा सा आपको कैसा लगा, आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। इससे आगे वीडियो मैंने नहीं बनाया, कि सिंपल रोटी वगैरह बनाई थी, तो वीडियो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं करा।